कोई भी एबॉर्शन की टेबलेट लेने के बाद, पूरा किट लेने के बाद आपको ब्लीडिंग नहीं हुई है, या फिर पहली टेबलेट लेने के बाद आपको ब्लीडिंग नहीं हुई है, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको दूसरा एबॉर्शन किट का इस्तेमाल कर लेना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए? इस तरह के काफी आप लोगों के सवाल आते हैं, तो हर एक सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकती, इतना पॉसिबल नहीं होता। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे फुल वीडियो बनाई जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अपना फीडबैक हमें जरूर कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो देखिए, जब आप एबॉर्शन टेबलेट लेते हैं तो आपको पूरी 5 टैबलेट लेनी होती हैं। फर्स्ट की जो टैबलेट होती है उसको लेने के बाद ज्यादातर फीमेल को ब्लीडिंग नहीं होती है, कुछ को हो भी सकती है लेकिन ज्यादातर फीमेल को यहाँ पे ब्लीडिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे से आपको टेंशन लेना शुरू नहीं कर देना चाहिए, आपको बाकी की जो टैबलेट है जिस तरीके से डॉक्टर ने बोला है उस तरीके से कंटिन्यू करना चाहिए, है ना। अगले 48 घंटे बाद जैसे आपने डॉक्टर ने बोला है बताया उस तरीके से ले लीजिए। जैसे ही आप नीचे की टैबलेट शुरू करते हैं, तो जैसे ही आपने 2 टैबलेट ली तो उसके बाद आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है 4 से 5 घंटे के बाद। अगर किसी फीमेल को इसके बाद भी नहीं होती है तो आपको वेट करना चाहिए और डॉक्टर के बताए गए तरीके से आगे की 2 टैबलेट बची हुई भी ले लेनी चाहिए, और इसके बाद आपको वेट करना चाहिए 5-7 दिन का। 5-7 दिन के अंदर भी आपको ब्लीडिंग नहीं होती है या फिर हल्की फुल्की होती है तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं होती है 5-7 दिन बाद, तब आपको जरूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर वहाँ पे अल्ट्रासाउंड करके बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। कई बार तो क्या होता है कि फीमेल खुद के अपने मन से ही टेबलेट खा लेती है, पीरियड नहीं आ रहे होते हैं और प्रेगनेंसी भी नहीं होती है। एक्चुअल में क्या होता है कि वो प्रेगनेंसी टेस्ट भी नहीं करती हैं और बिना प्रेगनेंसी के किट खा लेती हैं, तो यहाँ पे आपको ब्लीडिंग नहीं भी हो सकती है। तो सबसे पहले तो आप इस गलती को करने से बचिए कि जब भी आपको पीरियड नहीं आ रहे हैं प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर कीजिए। जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है उसी के बाद इन टैबलेट का सेवन करना होता है। बिना प्रेगनेंसी के अगर ले लेंगे तो यहाँ पे आपको एबनॉर्मल ब्लीडिंग भी हो सकती है या फिर ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, या फिर थोड़ी थोड़ी स्पॉटिंग में हो सकती है। तो देखिए, इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये चीज अगर आपके साथ हुई है तो इसको आपको ध्यान रखना है और डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर वहां पे फिर आपको टेबलेट देंगे, ट्रीटमेंट देंगे, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सके। तो इस तरह का होता है। कई बार क्या होता है कि फीमेल ने सभी टेबलेट ले ली, पूरा किट पूरा कर लिया, उसके बाद हल्के हल्के उनको ब्लीडिंग हो रही है 5-7 दिन। अब उसके बाद उनकी ब्लीडिंग रुक जाती है, फिर फीमेल सोचती है एबॉर्शन कंप्लीट हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। तो देखिए, कई बार कम दिन की प्रेगनेंसी होती है, तो आपकी जैसे 1 महीने की प्रेगनेंसी थी तो यहाँ पे आपको उसमें कम ब्लीडिंग हो सकती है, 5-7 दिन की ब्लीडिंग आपको दिख सकती है। जरूरी नहीं है कि आपको 10 दिन चले, 15 दिन चले, है ना। 5-7 दिन ब्लीडिंग होकर रुक भी सकती है अगर आपको कम दिन की प्रेगनेंसी रही होगी तो। अगर आपकी प्रेगनेंसी ज्यादा दिन की रही होगी, 2 महीने की रही होगी, 60 दिन की रही होगी, है ना, 40 दिन की, 60 दिन की, इस तरीके से रही होगी, तो वहां पे आपको ज्यादा ब्लीडिंग यानी कि 10 से 12 दिन तक चल सकती है। शुरुआत में आपको हैवी ब्लीडिंग होगी, क्लॉट्स आएंगे, फिर धीरे धीरे करके आपकी कम होते जाएगी, इस तरीके से आपकी ब्लीडिंग बंद हो जाती है। इस टेंशन को भी मतलब जड़ से खत्म करने के लिए, बिल्कुल डाउट मन में हटाने के लिए आपको एक बेस्ट तरीका होता है, वो है अल्ट्रासाउंड करवाना। यानी कि जब आपने टेबलेट ली उसके बाद 14वें दिन में आप एक अल्ट्रासाउंड करवाइए, आपके पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवाइए, जिसमें पता चल जाता है कि आपकी बच्चेदानी जो है वो साफ हो गई है या फिर नहीं हो गई है। अगर उसमें कोई मटेरियल अंदर दिखता है तो वहां पे अगर छोटा मोटा प्रोडक्ट है, आरपीओसी कम है आपकी, मिनिमल आरपीओसी है, तो डॉक्टर वहां पे जो है फिर से किट दे सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग कोई ट्रीटमेंट चला सकते हैं। आपको अपनी मर्जी से नहीं कोई भी दवाई लेनी है तो यहाँ पे, जिससे कि वो साफ हो सके। अगर ज्यादा प्रोडक्ट है, रिटेंट प्रोडक्ट ज्यादा है अंदर, प्रेगनेंसी मटेरियल ज्यादा बचा हुआ है, तो उस केस में आपको डीएनसी यानी कि सर्जिकल अबॉर्शन करवाना पड़ सकता है। हॉस्पिटल जाके आधा घंटे का काम ये होता है और आपको सुन्न किया जाता है और वहां पे डीएनसी आपकी हो जाती है, जो भी कचरा है वो निकल जाता है और आपको आप प्रॉब्लम फ्री हो जाती हैं। अगर ये चीजें आप नहीं करवाती हैं, अल्ट्रासाउंड नहीं करवाती हैं, तो खुद ही आप प्रॉब्लम में फंस जाती हैं। क्योंकि इसमें होता क्या है आपको कि जब बच्चेदानी आपकी साफ नहीं हुई होगी, आपने टेबलेट अपनी मर्जी से ली होगी, डॉक्टर के मेथड से नहीं ली होगी, तो आधा अधूरा आपका अबॉर्शन हो जाता है और लगातार ब्लीडिंग चलते रहती है, या फिर कुछ फीमेल को 10 दिन रुकती है, फिर से शुरू हो जाती है 10 दिन बाद,
कुछ दिन रुकती है फिर से शुरू हो जाती है, इस तरह का उनको होते रहता है, पेट में दर्द होना, ये सब संभावना बढ़ जाती है और इन्फेक्शन आपके बच्चेदानी में हो सकता है, तो ये आपको ही आगे जाके दुख देगा, इसलिए आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो ये काफी आपके लिए अच्छा रहेगा। और शुरुआत में जब भी आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती है तो सबसे पहले तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना रहेगा, ना कि आपको अपनी मर्जी से जाके किट लाके खा लेना है, ऐसा नहीं करना है। प्रेगनेंसी टेस्ट करना है और नजदीकी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है और उसके बाद एबॉर्शन की टेबलेट लेनी है, और तरीका आपको बता देंगे और उस तरीके से आपको लेनी है ताकि अच्छे से सब कुछ एक ही बार में साफ हो जाए, दोबारा हॉस्पिटल के चक्कर आपको ना लगाने पड़े। दूसरा, एक सबसे बड़ी गलती लेडीज ये कर देती हैं कि उनको जैसे ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं हुई, फर्स्ट टैबलेट लेने के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं हुई और वो हताश हो जाती हैं, क्या करें क्या ना करें, कहीं फर्स्ट वाली टैबलेट दोबारा लेनी तो ना पड़ जाए हमको, इस तरह के मन में काफी सवाल आते रहते हैं। कहीं तो अनमेरिड फीमेल होती हैं तो उनको काफी ज्यादा डर रह जाता है, साफ होगा या नहीं होगा, हॉस्पिटल तो नहीं जाना पड़ेगा, घर वालों को पता चल जाएगा। तो देखिए, आपको जो फर्स्ट टैबलेट होती है उसको लेने के बाद अधिकतर फीमेल को ब्लीडिंग नहीं होती है, बाकी नीचे की टैबलेट जब आप शुरू करते हैं तो 4-5 घंटे बाद ही आपको ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपने सही तरीके से ली होगी तो आपको ब्लीडिंग होगी। तो एक सवाल ये होता है कि हमें अगर ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं हुई, पूरा किट हमने ले लिया और ब्लीडिंग हमारी बिल्कुल भी हुई नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, इस केस में आपको कुछ फीमेल तो एक गलती सबसे बड़ी ये कर देती हैं कि हाँ, मेडिकल स्टोर जाके दोबारा किट लाके खा लेती हैं, है ना, तो इस केस में आपको नुकसान हो जाएगा, आप अपना नुकसान कर बैठेंगी, क्योंकि कई बार होता है कि आपको प्रेगनेंसी ही नहीं होती है, कई बार ये होता है कि आपकी ज्यादा दिन की प्रेगनेंसी होती है, एडवांस प्रेगनेंसी होती है, यानी कि 2 महीने से ज्यादा की प्रेगनेंसी होती है, ये किट 2 महीने से कम की प्रेगनेंसी को ही खत्म करता है, तो यहाँ पे आपका जो किट है वो काम नहीं करेगा। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? देखिए, डॉक्टर के पास तो आपको जाना ही पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाइए और देखिए क्या प्रॉब्लम है ना, डॉक्टर वहाँ पे अल्ट्रासाउंड करेंगे, कई बार प्रेगनेंसी जो होती है वो अपनी जगह पे नहीं होती है, आपके ट्यूब में होती है, तो वहाँ पे ये किट काम नहीं करती, उसमें और तरीका अपनाना पड़ता है, तो वो डॉक्टर आपको बता देते हैं। तो अल्ट्रासाउंड से पता चलता है प्रेगनेंसी है नहीं है, कितने दिन की है, 2 महीने से कम की है या फिर नहीं है, दोबारा हमको किट देने से काम चल जाएगा या फिर दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, ये सब डॉक्टर के हाथ में होता है। आप अपनी मर्जी से अगर टेबलेट लेंगे तो हो सकता है फिर से आपका आधा अधूरा अबॉर्शन रह जाए, और फिर से गलत तरीके से लेंगे तो फिर तो आपका काम बिगड़ जाएगा। इसीलिए आपकी अवेयरनेस के लिए मैं इस चैनल पे हेल्पफुल वीडियो लाते रहती हूँ, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके फीडबैक देख के, जो भी आपके फीडबैक हैं कमेंट्स में जरूर लिखिए, काफी ज्यादा मोटिवेशन उससे हमें मिलता है। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि और भी लेडीजों की हेल्प हो सके। सवाल है तो कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।